हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मंजू और आज की वीडियो में मैं बिगनर्स के लिए और टीनेजर्स के लिए एक मेकअप लुक लेकर आई हूं, जो कि मैंने बिना कोई फाउंडेशन को यूज़ करके क्रिएट किया है। तो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं कि ये वाला लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन है उसको भी ज़रूर हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फेस पर टोनर अप्लाई करना है ताकि थोड़े बहुत भी अगर आपको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है तो वो थोड़े से क्लोज हो जाए। और सर्दी आने वाली है तो फेस को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके लिए मैंने निविया की क्रीम ली है, ये बहुत ही अच्छी है, लाइट वेट है और आपके फेस को ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं करती है। तो फेस को मॉइस्चराइज ज़रूर करें आप मेकअप से पहले, और अंडर आई को भी अच्छे से मसाज कर लें ताकि आपका अंडर आई ड्राई ना लगे। देन मैंने प्राइमर के लिए गुड वाइब का एलोवेरा जेल लिया है। आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं या कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो। उसको अच्छे से पूरे फेस पर मसाज कर लेना है, अप्लाई कर लेना उसको अच्छे से। आप प्राइमर को कभी भी स्किप ना करें, चाहे आप एलोवेरा जेल लगाएं या कुछ भी लगाइए, और लिप्स को ज़रूर मॉइस्चराइज कीजिए। मैंने यहाँ पर निविया के लिप बाम ली है। फिर अगर आपको डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है तो आप कंसीलर अप्लाई कीजिए, अगर आपको डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये वाला स्टेप को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोई भी हाईलाइट कंसीलर नहीं लिया है, मैंने अपने स्किन शेड से मैच करता ही कंसीलर लिया है, क्योंकि ये वाला लुक टीनेजर्स के लिए है तो मैं इतना ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत मिनिमम प्रोडक्ट्स को यूज़ करके मैंने ये वाला लुक अचीव किया है। और उसको एक ब्रश लेकर अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर या स्पंज की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं। फिर मैंने ब्लू हेवन का लूज़ पाउडर लिया है, और ये लूज़ पाउडर बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप अगर परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लूज़ पाउडर है। मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, मुझे बहुत पसंद आया है ये। इसके बाद मैं बेस मेकअप करूँगी, और बेस मेकअप के लिए मैंने NYB की BB क्रीम ली है, और ये मुझे पसंद नहीं आई है क्योंकि इसका कुछ भी कवरेज नहीं है। मेरा लेना मेरा पैसा वेस्ट हो गया है इस क्रीम के ऊपर। तो NYB की काफ़ी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ, बट मैं ये क्रीम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। इससे बेटर आप स्टिक यूज़ कर सकते हैं, कंसीलर स्टिक, उसका कवरेज बहुत अच्छा है। इसमें कुछ भी कवरेज नहीं है तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। बट मेरे पास कोई और BB क्रीम का ऑप्शन नहीं था तो मैंने यही यूज़ कर लिया है। आप अगर चाहो तो फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं तो, बट मैंने ये बिगनर्स के लिए क्रिएट किया है तो मैंने इसलिए कोई भी फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया है आज। फिर जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया था उसको मैं ब्लू हेवन का लूज पाउडर लेकर अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि कोई क्रीज ना पड़े। आपने अगर कंसीलर नहीं भी लगाया है तो भी आप अपने जो अंडर आई है उसको ज़रूर सेट करें। और बाकी पूरे फेस को भी मैंने ब्लू हेवन के लूज पाउडर से सेट किया तो थोड़ा सा कवरेज मुझे मिल गया है। और इसके बाद मैं ब्लश अप्लाई करूँगी। ब्लश के लिए मैंने मेबलिन का ब्लश लिया है, ये बहुत ही अच्छा एक कॉरल सा शेड है, एक नेचुरल सा लुक देता है, और इसमें हल्का सा शीन है जो फेस्टिवल के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर लेना हो तो आप एकदम ले सकते हैं ये वाला ब्लश, मुझे बहुत अच्छा लगता है डेली यूज़ के लिए, ये वाला ब्लश काफ़ी अच्छा है। देन मैं आई मेकअप स्टार्ट करूँगी, और आई मेकअप के लिए मैंने ADS का काजल लिया है। ये लोकल मार्केट में जस्ट आपको 20-30 रुपीज़ में मिल जाता है। उसको पहले मैं लोअर लैशेज़ पर लगाऊँगी। देन आपको अपने आई शेडो पैलेट में से कोई भी कलर लेना है, उसको अपने आईज पे अप्लाई करना है। अपनी पूरी आई लेड पर उसको अप्लाई कर लीजिए। इसके बाद सेम आई पेंसिल से ही मैं अपनी एक आई लाइनर क्रिएट करूंगी। इसमें सिर्फ आपको अपनी आईज की जो शेप है उसको फॉलो करते हुए उसके पास में बिल्कुल एक लाइन क्रिएट करनी है। आपको कोई भी विंग आईलाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी आईज तक ही आप लगाएं। फिर मैं काजल अप्लाई करूंगी, यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का काजल लिया है। और इसके बाद जो मैंने एक आई शेडो पैलेट में से ब्लू कलर पिक किया है, जो मैंने लाइन लगाई थी उसके ऊपर ही सिर्फ इसको मैं प्लेस करूंगी ताकि जो मेरा ब्लू कलर है वो अच्छे से उभर कर आए।
और यहाँ पे मैं कोई भी आज फॉल्सेस अप्लाई नहीं करूँगी, मैं सिर्फ मस्कारा लगाऊंगी, क्योंकि बिगनर्स होते हैं उनको फॉल्सेस लगाने में प्रॉब्लम होती है। तो आप बिगनर्स हैं तो आप मस्कारे की 2 से 3 कोट लगा लीजिए, तो आपको फॉल्सेस लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने एक जो लाइट ब्लू कलर है उसको मैं अपने अंडर आई के नीचे अप्लाई करूँगी, बिल्कुल अपने लैशेस के आपको बिल्कुल पास में उसके क्रिएट करना है। ऊपर मैंने डार्क लिए हैं, नीचे मैंने लाइट लिए हैं। फिर मैं आईब्रोज को फिल करूँगी, और गाइज अगर आप आईब्रोज फिल नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप फिल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका पूरा मेकअप का लुक ही चेंज हो जाता है अगर आप आईब्रोज को फिल करते हैं तो। और फिर आईब्रोज को थोड़ा सा कॉम कर लेना है, और फिर मैं लास्ट में मस्कारा अप्लाई करूंगी। तो मेरा आई मेकअप यहीं पे कंप्लीट हो चुका है, और ये मस्कारा भी बहुत अच्छा है। मस्कारे की मैं 2 से 3 कोट अप्लाई करूंगी, और लास्ट में मैं हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। और हाइलाइटर मैंने बहुत ज़्यादा मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ, जस्ट मिनिमम हाइलाइटर मैं अप्लाई कर रही हूँ। देन लास्ट में मैं लिपस्टिक अप्लाई करूंगी, और मैंने आईज़ को थोड़ा सा कलरफुल रखा है तो मैं लिप्स को न्यूड रखूंगी। इसके लिए मैंने गिव मी मोका शेड लिया है वेट एंड वाइल्ड का, ये बहुत ही अच्छा ब्राउनिश एक अंडरटोन का न्यूड शेड है जो मुझे बहुत पसंद है। अगर आप कोई अच्छा न्यूड शेड देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली ये वाला शेड ले सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा शेड है। और यहीं पर मेरा मेकअप लुक कम्प्लीट हो जाता है। तो दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दिवाली की सीरीज़ में मैं और भी काफ़ी सारी वीडियो लेकर आऊँगी, तो आप अगर देखना चाहते हैं कि मैं क्या क्या लुक लेकर आ रही हूँ तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो गाइज़ देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए ना। और आप सभी को मेरी ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।